Assalamualaikum everyone, here we are with another recipe. तो इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल और स्क्रम्शियस पुआ। ये बहुत ही ज्यादा इजी टू कुक है और क्विक रेसिपी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमें एक बोल ले लेना है जिसमें हमें एक कप मिल्क ऐड करना है, एक कप व्हाइट फ्लोर ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम ग्रेजुअली वाटर को ऐड करेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो पतला रहे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप चावल का आटा। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो थिक ना हो। अब हम इसमें डालेंगे 1/3 कप मैदा। और इसको अब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें 3 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून खोपरा। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन, तो बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमारी होनी चाहिए। अब हम एक पैन ले लेंगे जिसमें हमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। लैडर की मदद से अपने जो तैयार बैटर है उसको हमने अपने पैन में डाल देना है। हमने लैडर को इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि जो हमारा पुआ का जो शेप है राउंड वो रिटेन रहे। अब 2 से 3 मिनट तक के हमें अपने बैटर के एक साइड पका लेना है और फिर उसको हम फ्लिप कर देंगे। अब हम पुआ को उस वक्त तक बना लेंगे अंटिल हमारा जो पुए की जो ब्राउन कलर है वो आ जाए। हमारा जो पुआ है वो अच्छी तरीके से पक चुका है, तो अब हम इसको पैन से निकाल के सर्व कर देंगे। तो अब सर्विंग करते वक्त जो है मैंने इसमें गार्निशिंग के लिए हनी ऐड किया है। आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये इसके बगैर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल होता है। नाउ आवर एपिटाइजिंग पुआ इज़ रेडी। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपसे हम रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़।